नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समुदाय के विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा अलवर टेक्का चौक से लेकर पूरी राजधानी में जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। पद्मश्री मुकुंद नायक, पद्मश्री मधु मंसूरी शामिल हुए। मौके पर सभी ने आदिवासी एकजुटता और आदिवासी जागरूकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, झारखंड जल जंगल जमीन का प्रदेश है और आदिवासी इनकी रक्षा कर अपना जीवन यापन करते हैं। आदिवासी दिवस 9 अगस्त 1994 को यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया था, लेकिन झारखंड में हेमंत सरकार के आने के बाद आज 9 अगस्त को सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई। वहीं हेमंत सरकार को भी सभी ने बधाइयां देते हुए कहा कि झारखंड में आदिवासियों के लिए अभी और कुछ करने की जरूरत है। झारखंड में अभी जमीन लूट का मामला चरम पर है। सभी ने सीएम हेमंत सोरेन से मांग की कि जमीन लूट पर विशेष कार्रवाई करें। वहीं सभी ने जनगणना में अलग सरना कोर्ट की मांग की। इस दौरान मधु मंसूरी ने अपने गीतों के माध्यम से आदिवासी समाज को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई संदेश दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। देश भर में आज आदिवासी समाज के लोग अपने वजूद का एहसास कराने को लेकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। अतः झारखंड के जमशेदपुर में भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वैसे तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां हैं, बावजूद इसके आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा मानगो डिमना चौक स्थित बाबा तिलका मांझी चौक से लेकर नारगा डाला पानी तक किया गया। लगभग 35 किलोमीटर की इस यात्रा में आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और आदिवासियों के हक और हुकूक की जानकारी समाज के लोगों को देकर विश्व आदिवासी दिवस मनाने के पीछे के उद्देश्य की जानकारी दी। वही जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने आदिवासी दिवस के मौके पर राज्य के आदिवासियों को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य के वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को आदिवासियों का हितैषी बताते हुए कहा कि उनके शासनकाल में राज्य के आदिवासियों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उन्होंने राज्य के आदिवासियों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से हम लोग मांग किया था कि आदिवासी दिवस पर छुट्टी होना चाहिए और इसको देखते हुए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन साहब ने आदिवासी दिवस पर पूरे झारखंड में छुट्टी का आह्वान किया है और सभी युवा जो है आज आदिवासी दिवस के अवसर पर हर जगह जगह उत्साह मना रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और निश्चित रूप से अपना हक अधिकार को पहचानना भी चाहिए। कोरोना काल में विभिन्न सामाजिक संगठनों, सांसद एवं विधायकों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सजग है। इस दौरान इनके द्वारा एम्बुलेंस सहित कई स्वास्थ्य उपकरणों को जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया। इसी क्रम में एक बार फिर भरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती ने एक एम्बुलेंस और मोच वाहन जिला प्रशासन को सौंपी। यह वाहन बहरगोड़ा विधानसभा के क्षेत्र के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में कारगर साबित होगी। दोनों वाहनों को जिला मुख्यालय में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। इस मौके पर विधायक सहित उपायुक्त और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं विधायकों की भूमिका काफी अहम है। इस बार विधायक द्वारा उपलब्ध कराए गए एम्बुलेंस और मोच वाहन भैरागोड़ा क्षेत्र के लिए काफी अहम है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सुदूरवर्ती इलाकों में किसी के बीमार होने एवं मृत्यु होने पर उसे एमजीएम लाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस एम्बुलेंस और मोच वाहन के मिल जाने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं काफी हद तक दूर हो जाएगी। कोविड-19 के डिफिकल्ट टाइम में ये लगातार हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों का जो विभिन्न विभिन्न सेक्टर से पब्लिक के उनसे जुड़ाव होकर कोविड के निष्पादन में हम लोगों को हमेशा हेल्प मिलता रहा है। इसी क्रम में आज माननीय विधायक बहरागोड़ा के द्वारा भी बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और मुकम्मल करने के लिए एवं कोविड में मदद करने के लिए एक एम्बुलेंस एवं एक सब वाहन, चूंकि बहरागोड़ा काफी सुदूरवर्ती प्रखंड पड़ता है हम लोगों का और वहां से अगर किसी की डेथ होती है तो एमजीएम में बॉडी को पोस्टमार्टम को लाने के लिए भी लोगों को बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए आज यहां पे हम लोगों को एक एम्बुलेंस और एक मुक्ति वाहन दिया गया है। साथ ही साथ माननीय जनप्रतिनिधि ने कमिटमेंट किया है कि इस प्रकार का सहयोग जो है वो फ्यूचर में भी हम लोगों को जारी रहेगा। आदिवासी अखिल भारतीय कल्याण समिति एवं क्षेत्र आदिवासी सरना कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज हाथा बिरसा चौक में बिरसा मुंडा पर माल्यार्पण कर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बिरसा मुंडा में माल्यार्पण कर समिति के तमाम लोगों ने संकल्प लिया कि जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हम सब कटिबद्ध है। संविधान में आदिवासियों को जो प्रदत्त अधिकार है वह आज तक पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। ये अधिकार मिलना चाहिए, तभी जाकर आदिवासियों का विकास संभव हो पाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक मेनका सरदार, गणेश सरदार, मनुष्य सरदार आदि उपस्थित रहे। आज पूरे विश्व के आदिवासी आज
एक साथ अपनी संस्कृति अपनी पहचान को बचाने का संकल्प, और आज हम सभी आदिवासी भाइयों से यही संकल्प देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे, जहाँ भी हैं कहीं भी रहें आप, अपने संस्कृति अपनी परंपरा अपनी पहचान को बना के रखें ताकि हम सभी विश्व का आदिवासी एक रहें। हमें एक के संदेश देना चाहेंगे कि पूरा देश के साथ साथ पूरा झारखंड के आदिवासी एकता रहे, अखंडता रहे, साथ साथ विकास के ओर आगे चले। जमशेदपुर धनबाद में उपायुक्त कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री से मिलने हेतु प्रतीक्षारत छात्राओं पर एसडीएम एवं पुलिस कर्मियों द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के द्वारा सांची के आम बगान मैदान एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यह हस्ताक्षर अभियान उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से सौंपा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से छात्रों के ऊपर में लाठीचार्ज की गई उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और पिछले कई दिनों से लगातार अपने आंदोलन को बल दे रहे हैं छात्रों को अविलंब जैक बोर्ड के द्वारा इन्हें पास भी किया जाए, अन्यथा यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों जैक के द्वारा 12वीं का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था जिसमें पूरे राज्य भर के 35,000 छात्रों को फेल कर दिया गया था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी की उपस्थिति में जिस प्रकार वहाँ के एसडीओ के द्वारा छात्राओं के ऊपर लाठी बरसाया गया उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ आम बगान मैदान में धरना दे रहे हैं। ये गुंगी बेरी सरकार जो अपने आप को युवाओं की सरकार बोलती थी, युवाओं को बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारी सरकार आई तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार तो देना दूर, अब लाठी और डंडा के सहारे लेके युवाओं के ऊपर अत्याचार करने का काम है इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि इस गुंगी बेरी सरकार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए एवं धनबाद एसडीओ को बर्खास्त किया जाए, उसी को लेकर हम लोग धरना आयोजन कर रहे हैं। धनबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी के सदस्य और छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के बीजेपी पार्टी में काफी उबाल देखा जा रहा है। धनबाद में भी लाठीचार्ज की घटना को देखते हुए धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में महाधरना का आयोजन किया गया। धरना में भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धनबाद में लाठीचार्ज की घटना की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से धनबाद के एक अधिकारी ने महिलाओं पर अपने हाथों से लाठीचार्ज किया है एक नामर्द की निशानी है। ऐसे अफसर को जिले में रहने के लिए कोई औचित्य नहीं बनता है। जब इस ऑफिसर के पास कोई फरियाद लेकर जाते हैं तो इनको हाथों में डंडा रहता है और डंडा चलाने से बाज भी नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा तब तक आंदोलन करते रहेगी जब तक इस नामर्द ऑफिसर का तबादला कहीं और नहीं हो जाता। धनबाद जिले में रहने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस महाधरना में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सैकड़ों की धनबाद के भाजपा नेतागण और विधायक राज सिन्हा सहित भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सदस्य भी महाधरना में शामिल हुए एवं झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन के हाय हाय के नारे भी लगाए। बीजेपी के युवा मोर्चे के अध्यक्ष ने सरकार से कहा कि ऐसे बेलगाम और नाबाद ऑफिसर को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। धनबाद के साथ साथ पूरे झारखंड की जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि धनबाद में एक नामर्द अधिकारी आ गया है। वैसा नामर्द अधिकारी जिसके नजर में महिलाओं का सम्मान नहीं है, जिसके नजर में बेटियों का सम्मान नहीं है, उस अधिकारी के सामने जो भी अपनी मांग वो रखेगा, उस अधिकारी के सामने, सरकार के नुमाइंदों के सामने जो भी अपनी मांग रखेगा उसको स्वयं डंडा से मारने का काम कर रहा है। ये झारखंड का यह स्वरूप युवा मोर्चा और यहाँ के युवाओं के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धनबाद में मार्क्सवादी मोर्चे के बैनर तले धनबाद शहर में महारैली निकाली गई, केंद्र सरकार का विरोध जताया जिसका नेतृत्व निर्सा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी कर रहे थे। अरूप चटर्जी ने कहा कि अगस्त क्रांति को लेकर हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, देश में एफडीआई का पूर्ण रूप से विरोध किया जाए, स्वदेशी चीजों को अपनाने पर उन्होंने जोर दिया। मासस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसान विरोधी कानून को वापस करने का केंद्र सरकार काम करे। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने धनबाद में हुए लाठीचार्ज की घटना को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि एक शर्मनाक घटना है, ऐसे बेलगाम ऑफिसर को जल्द से जल्द सस्पेंड करने का सरकार काम करे। इस महारैली में सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकालकर लोगों ने केंद्र सरकार का विरोध जताया एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का लोगों को संदेश दिया। 7 अगस्त 9 अगस्त हम लोग प्रत्येक वर्ष के बाद ही इस बार भी और विदेशी चीजों का जो यहाँ पर हटाने की मांग की गई थी हमारे
देशवासियों के द्वारा जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई का भी और आज के हम समझते हैं जो अपने देश की जो प्रोडक्ट है उसको अपनाना चाहिए और विदेशी प्रोडक्ट का एफडीआई का विरोध होना चाहिए, एफडीआई का विरोध होना चाहिए एवं कोई भी हम समझते हैं जो अपने देश की प्रोडक्ट को आगे ले आने की काम करना। JSR Onway is introducing One Way Ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR Onway is introducing One Way Rides. You can book from anywhere. JSR Onway ke saath judkar apne safar ko suhana banaye aur safar ka anand uthaye. Kyunki hum apne customers ki safety ka pura khayal rakhte hain. आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR ऑन व्हील्स के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। जस्ट बुक योर राइड एंड वील प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस एट योर डोरस्टेप। जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR ऑन व्हील्स पे ही जाना। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा 3 दिवसीय अंपायर वर्कशॉप का आयोजन धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित किया गया है। आज वर्कशॉप की शुरुआत हुई, मौके पर धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। 3 दिनों तक चलने वाले इस वर्कशॉप में बीसीसीआई और आईसीसी के नए नियमों से अंपायरों को परिचित कराया जाएगा। इसके अलावा स्कोरर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद उनकी जांच परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में पास करने वाले को स्टेट लेवल और बीसीसीआई के स्तर पर होने वाले अंपायर की परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, तब जाकर वह घरेलू एवं राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैचों में अंपायरिंग कर पाएंगे। क्योंकि क्रिकेट में जो ग्राउंड्स में मैच होता है उसमें इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान होता है और समय समय पर बहुत सारे टेक्निक बहुत सारे नियम बदलते रहते हैं। बीसीसीआई जेसीए का गाइडलाइन आते रहता है, उसी की जानकारी के लिए हम लोग एक वर्कशॉप रखते हैं टूर्नामेंट चालू होने से पहले कि आगे किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे और नए कानून के हिसाब से नए सिस्टम के हिसाब से हम लोग का मैच सुचारू रूप से चलते हैं। 3 दिनों कार्यक्रम है, आज और कल कल है, परसों एग्जाम होगा, नंबर एग्जाम होता है, फिर प्रैक्टिकल होगा। कम से कम 30 अंपायर अंपायर है, स्कोरर है, 30 अंपायर के। झामाड़ा में कार्य मृतक के आश्रितों द्वारा अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलन जारी है। आंदोलन के इसी क्रम में आज आश्रितों के द्वारा धनबाद के झामाड़ा कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से आश्रितों ने बकाया भुगतान और नियोजन की मांग की है। इससे पूर्व भी आश्रितों के द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन किया। 2017 में टुंडी के पूर्व विधायक स्वर्गीय राजकिशोर महतो के नेतृत्व में झामाड़ा अधिकारियों के साथ वार्ता हुई थी, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला, जिस पर नाराजगी जताते हुए मृत कर्मचारियों के आश्रित धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठ आश्रितों का कहना है कि झामाड़ा के समक्ष हम लोग कई वर्षों से अपनी मांगों को रखते आ रहे हैं, पर अभी तक कोई सफल वार्ता नहीं हुई है। यदि झामाड़ा प्रबंधन हमारी मांगों को नहीं मानता तो कल से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम लोग 10 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और 2011 में भी भूख हड़ताल किए थे, 2013 में भी भूख हड़ताल किए, 2017 में भूख हड़ताल जब हम लोग किए थे तो उस वक्त में जो पूर्व विधायक थे टुंडी के श्री राजकिशोर महतो जी, उनके सामने में मतलब प्रबंधक के साथ में हम लोग समझौता हुआ था कि 2018 से बहाली मतलब शुरू कर दिया जाएगा यहाँ से, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया, अभी तक कोई बात नहीं। अगर आपकी मांग नहीं होगी तो क्या माना जाए तो क्या करें, हम लोग कल से भूख हड़ताल करेंगे।
केंद्र सरकार पर श्रम कानून और कृषि कानूनों में संशोधन सहित कई मजदूर और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देशभर के श्रमिक संगठन आज धरने पर बैठे। जमशेदपुर में भी श्रमिक संगठनों ने अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिक नेताओं ने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में समाहित कर मजदूरों को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। इसी तरह किसानों के खिलाफ 3 कृषि बिल लाकर उन्हें जमीन से बेदखल करने की तैयारी है। सरकारी संस्थाओं को साजिश के तहत केंद्र सरकार निजी हाथों में बेच रही है। मजदूरों से हड़ताल करने का अधिकार छीनना चाहती है। सभी श्रमिक नेताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार से तीनों कृषि बिल और श्रम कानून में किए गए संशोधन को वापस लाने और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को लेकर विरोध जताया। देश के अंदर आज संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरे देश में देश बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। देश बचाओ दिवस मनाने का जरूरत क्यों पड़ा, इसको ध्यान में रखना है। मोदी सरकार 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में समाहित करने जा रही है। उस 4 कोड में यह निर्देशित है कि कहीं भी नौकरी की गारंटी नहीं है। इसके साथ साथ जो भी देश के सरकारी उपक्रम है उसको एक एक करके निजी के हाथों में देने का तैयारी मोदी सरकार कर रही है। सबसे खतरनाक बात यह है इस कोड में कि हड़ताल करने का जो अधिकार वर्षों पहले कुर्बानी देकर के मजदूरों ने हासिल किया था उसको ख़त्म कर दिया गया है, और हड़ताल करने पर उसमें एक साल का सजा का प्रावधान है, और जो हड़ताल करने के लिए नेतृत्व करेगा उसको 2 साल का सजा का प्रावधान है उस कानून में। तो ऐसे कानून ला करके मोदी सरकार देश के मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है। इसी के खिलाफ में आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के साथ साथ देश बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 6 निवासी 50 वर्षीय एनत मैगी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना परिजनों को मिलने पर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर एमजीएम अस्पताल भेज दिया, जहां शव गृह में रख दिया जाएगा। परिजनों ने बताया कि एनत मैगी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे। आज उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने आत्महत्या क्यों की परिजन इस बारे में नहीं बता पा रहे हैं। कितना मन कुमार होता होगा? 50। ये मेरे अंकल लगते हैं। क्या नाम है आपका? रॉबर्ट जॉन। झारखंड हाईकोर्ट में रांची के एक इलाके में कई लोगों को घर तोड़ने के निगम के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रांची नगर निगम के नगर आयुक्त के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें घरों को तोड़ने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रार्थियों को सुनवाई अपील का मौका नहीं मिला है, इसलिए 2 सितंबर को नगर आयुक्त सभी प्रार्थियों के आवेदन पर सुनवाई कर उचित निर्णय ले और फोरम के गठन करे। हाईकोर्ट के इस आदेश से वैसे लोगों को बड़ी राहत मिली है जिनका घर तोड़ने की नोटिस रांची नगर निगम के द्वारा दिया गया था। राजधानी रांची के हिनू एवं बंधु नगर इलाके में अवैध भवनों को रांची नगर आयुक्त के द्वारा तोड़ने का जो आदेश दिया गया था उस पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत तत्काल रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त के आदेश पर रोक लगाई है और कहा है कि 2 सितंबर तक जब तक कि उचित फोरम की व्यवस्था नहीं हो जाती है और उनके ग्रीवांस को नहीं सुन लिया जाता है तब तक किसी भी प्रकार के तोड़ने के आदेश पर रोक लगाई जाती है। जमशेदपुर के खासमल स्थित प्रखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुधन एवं किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर लगाया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार मौजूद थे। इस शिविर में विधायक संजीव सरदार के साथ जिले के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार, अंचल अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव मुख्य रूप से मौजूद थे, जहां इस दौरान लाभुकों के बीच पशुधन के तौर पर बकरी पालन के लिए मवेशी का वितरण किया गया। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड का भी वितरण लाभुकों के बीच किया गया। इधर सरकार के इस योजना का लाभ उठाकर ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। वही जानकारी देते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि किसान 9 महीने खेतीबाड़ी करते हैं और उस समय उनका खाली रहता है, ऐसे में अगर वे पशुपालन करते तो उन्हें आर्थिक आमदनी होगी और उनका जीवन स्तर सुदृढ़ होगा। और जो हमारे कृषक भाई लोग हैं उनका बीच केसीसी कार्ड वितरण किया गया है। इस तरह के जो लोग इच्छा रखते हैं कृषि से पशुपालन से आज इन माध्यम से
कृषि तो वन टाइम होता है 9 महीना के, इसके बाद बाकी समय जो रह जाता है कृषक के बीच में, उस समय अगर इस चाहे बकरी पालन हो, सुअर पालन हो, और इस योजनाओं को अगर वो लोग करते हैं तो काफी लाभान्वित होंगे और रोजगार से सुखी रूप से लोग जुड़ेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय में किसान क्रेडिट कार्ड एवं पशुधन वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला पूरे राज्य में तीसरा स्थान पर रहने का गौरव प्राप्त किया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार की ओर से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्य भर में किसान क्रेडिट कार्ड एवं मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत पशुधन वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ऑनलाइन के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। वहीं जमशेदपुर में भी जिला मुख्यालय के सभागार में समारोह आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विधायक, जिले के उपायुक्त, डीडीसी, एडीसी सहित लाभुक और बैंक के अधिकारी मौजूद थे। समारोह के माध्यम से जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड और मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत पशुधन का वितरण किया गया। वहीं दुग्ध उत्पादन के लिए 5 से 10 गायों और डीप बोरिंग के लिए लोन भी दी गई। इस मौके पर उपायुक्त सूरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 1,21,000 लोगों को प्रधानमंत्री किसान योजना के साथ मुख्यमंत्री किसान एवं पशुधन योजना के साथ जोड़ा गया। इससे पूर्व में कई लोगों को इसका लाभ दी गई थी, बावजूद शेष रह गए 49,000 लोगों में से 17,000 लाभुकों को चिन्हित कर आदिवासी विश्व दिवस के अवसर पर उन्हें योजना का लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 1,42,000 लाभुकों को इसका लाभ दिया गया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम में 17,000 लाभुकों को लाभ पहुंचाकर तीसरा स्थान पर रहने का गौरव प्राप्त किया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अगस्त और सितंबर माह में प्रधानमंत्री सम्मान योजना से जो लोग जुड़े हुए हैं लेकिन मुख्यमंत्री केसीसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें चिन्हित कर इस योजना से जोड़ा जाए। लगभग 1,21,000 लाभुकों में 70,000 लाभुकों का ऑलरेडी केसीसी योजना का जो लाभ है वो हम लोगों ने दे दिया था। 49,000 लोगों का और लाभ मिलना था, जिसमें हम लोगों ने 25,000 आवेदन जो है वो कलेक्ट कर लिए और उसमें आज 17,042 लाभुकों को हम लोगों ने यहाँ पे केसीसी लोन का लाभ दिलाया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लगभग 1,200 लोगों को, लाभुकों को हम लोग इसका लाभ देना था। इसमें बतख पालन, सुअर पालन एवं बकरी पालन की योजनाओं में लाभुकों को लाभ देना था। इसका लगभग 80% लक्ष्य जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने 29 लोगों को यहाँ पे लाभ देना सुनिश्चित करवाया है। आदिवासी भूमि सरण अखाड़े एवं आदिवासी भूमि बुद्धिजीवी मंच के संयुक्त तत्वाधान में आज सिगदी में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आदिवासी भूमि सरण अखाड़ा के निदेशक सिद्धेश्वर सरदार का कहना है कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस, नागासाकी दिवस एवं अगस्त क्रांति दिवस तीनों हम सब एक साथ मना रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि आजीविका के साधन को समाप्त किया जा रहा है। विस्थापन नीति के कारण आदिवासियों की संख्या में कमी आई है तथा वन अधिकार अधिनियम 2005 एवं पेशा कानून के प्रदत्त अधिकारों से आदिवासी के शासन को मजबूती प्रदान करता है एवं आजीविका को स्वावलंबी की दिशा में आगे बढ़ाता है, मगर इन अधिकारों का लाभ आदिवासियों को अब तक नहीं मिल पाया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिद्धेश्वर सरदार, विभीषण सरदार, हरीश सरदार, सुदर्शन सरदार, संजय सरदार आदि उपस्थित रहे। 78 के जेनावाव की बैठक में एक निर्णय हुआ था कि आदिवासी का स्थिति बहुत खराब है, इसलिए उसको एक अवसर दिया जाए, तो इसलिए 93 को आदिवासी वर्ष घोषित किया गया था। तब एक वर्ष में सारे आदिवासी को खोजना, सारे आदिवासियों को एक साथ लाना बहुत दिक्कत था, इसलिए फिर उसके एक दो वर्ष बाद 1994 को आदिवासी वर्ष को डिकेट के रूप में घोषित किया गया। 2004 तक में सारे आदिवासी लोग एकत्रित होंगे, एक साथ आएंगे, लेकिन उतना ही नहीं होगा, खाली एकत्र होने से नहीं होगा, लोग तो सांस्कृतिक रूप में एकता होते हैं, कोई बैठक के रूप में एकता होते हैं। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 13 सितंबर 2007 को एक प्रस्ताव पारित किया कि हर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा और आदिवासी का जो हक अधिकार है उसको सम्मान किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बिरसा चौक स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल के प्रांगण में झारखंड के शहीद के वंशज अपनी पीड़ा लिखे पोस्टर के साथ प्रदर्शन किए। उनका कहना है कि हम सिर्फ नाम के लिए शहीद के वंशज हैं,
हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम राज्य सरकार के मुखिया से मिलते हैं, आश्वासन भी मिलता है लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता। हमारे वंशजों को सिर्फ एक खास मौके पर याद किया जाता है लेकिन हमारी चिंता राज्य सरकार को नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी सूद राज्य सरकार ले। मुझे 2011 में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की तरफ से केजुअल वर्ग में नियुक्ति पत्र मिली थी और आज तक मेरे नियुक्ति नहीं कराई गई। यह कहकर कि सिंडिकेट की मीटिंग में आपका फैसला होगा उसके बाद आपकी नियुक्ति मिली जाएगी। तो मेरी मांग है कि सरकार से कि हमें सभी परिवार को सम्मानपूर्वक एक सरकारी नियुक्ति मिलनी चाहिए। जमशेदपुर ट्रक एंड ट्रेलर एसोसिएशन ने टाटा स्टील के माल ढुलाई करने वाले बाहरी वेंडरों के विरोध में जिले के उपायुक्त एक मांग पत्र सौंपते अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और माल ढुलाई के दर में वृद्धि किए जाने की मांग की है। जानकारी देते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से लगातार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, बावजूद इसके टाटा स्टील द्वारा रजिस्टर्ड वेंडरों के किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। अगर वेंडर के अधीन चलने वाले ट्रक एवं ट्रेलर मालिक लगातार किराया बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। बाहरी वेंडर द्वारा कम कीमत पर कंपनी से माल ढुलाई का काम किया जा रहा है जिससे ट्रक एवं ट्रेलर मालिकों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। उपायुक्त को सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से एसोसिएशन ने साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले दिनों में बाहर से आने वाले ट्रक एवं ट्रेलर को कंपनी का माल उठाने से रोक दिया जाएगा और जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। लोग ने कल डीसी साहब से मिलकर जो मेन मुद्दा है कि डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जो पुराना डीजल 55-60 था और आज गाड़ी आज डीजल का रेट है 95 रुपया, जो उस समय का भाड़ा था अभी भी गाड़ी मालिकों को वही भाड़ा दिया जा रहा है जिससे गाड़ी वाले को भारी ये नुकसान हो रहा है, गाड़ी चलाना मुश्किल है। यहाँ के स्थानीय मात्र 20 अप्रूव बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए साइजर यूटिलिटी एवं इसी तरह से और भी बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, मात्र 20 ट्रांसपोर्टर के अंतर्गत गाड़ी मालिक यहाँ पर है जिनकी जीविका चलती है, उनका परिवार का भरण पोषण चलता है। सिटी एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी। आवर कॉन्टेक्ट नंबर 7903302477।